हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी योगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित अवस्था के साथ करें, जिससे उन योगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको नंतम नटराजासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। नंतम नटराजासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। नंतम नटराजासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए कमर भाग से झुकिए और शरीर को समकोण की स्थिति पर लाइए और 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकिए, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। नंतम नटराजासन के अभ्यास से जांघें सुडौल बनती हैं, शारीरिक व मानसिक संतुलन व समन्वय अच्छा होता है। पंजे, टखने, घुटना, जांघ, कमर, पेट, छाती व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, आमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, यकृत, आंत आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व उनकी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलने वाली बनती है। चेहरे की कांति में वृद्धि होती है, याददाश्त तेज व मस्तिष्क प्रखर होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में अच्छा होता है, रक्तचाप भी संतुलित होता है, पेट, कमर व जांघ में उपस्थित चर्बी कम होती है, मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली स्वस्थ होती है, आलस्य दूर होता है तथा अभ्यासी चुस्त फुर्त बनता है। पैरों के दर्द में विशेष लाभकारी आसन है। बहुत चलने के कारण या देर तक खड़े रहने के कारण पैरों में आई थकान को यह आसन दूर करता है। इस आसन के अभ्यास से मन प्रसन्न व एकाग्र होता है, शरीर में अच्छे हार्मोन्स का स्रावण होता है, जठर रस से संबंधित दोष दूर होते हैं, भूख खुलकर लगती है व मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। नंतम, जिसका अर्थ होता है झुककर नमन करना, नटराज भगवान शिव को कहा जाता है। आसन का अभिप्राय मुद्रा से है, क्योंकि इस आसन में शरीर ऐसी मुद्रा लेता है जैसे किसी को झुककर नमन किया जा रहा है और साथ में नटराजासन लगाया जा रहा हो, इसलिए इसे नंतम नटराजासन कहते हैं। नंतम नटराजासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत, आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, कमर दर्द या स्लिप डिस्क के रोग इस आसन का अभ्यास न करें। टखनों या पंजों में चोटग्रस्त व्यक्ति भी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी, उच्च रक्तचाप के मरीज इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे झुककर करने वाला कोई भी आसन 2 से 3 बार अवश्य कर लें। तो यह था नंतम नटराजासन योग करने की विधि व लाभ।